बिहार में हानिकारक खाद्य व पेय पदार्थ के प्रतिबंध व लोगों की सेहत की चिंता जितनी सरकार को है उतनी ही यहाँ के जजों को भी है। अगर यह कहा जाए कि सरकार जब सुस्त पड़ती है तो न्यायालय ही है जो जगाने और ऊर्जा का संचार करने का काम करती है। ताजा मामला पान मसाला और तंबाकू से जुड़ा है। आपको बता दें कि बिहार के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने पान मसाला और तंबाकू पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए अक्टूबर 2020 में अधिसूचना जारी की थी। उसकी मियाद 30 सितंबर 2021 को ही समाप्त हो चुकी है। इसके बाद फिर प्रतिबंध बढ़ाने का कोई नया आदेश निर्गत नहीं हुआ। यह मामला एक बार फिर तब तुल पकड़ा जब चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने कानून की पढ़ाई कर रहे छात्र रौनक की जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य को 2 हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया था। अब इस संदर्भ में 25 फरवरी को फैसला आ सकता है। ऐसे में जरूरत है तंबाकू पान मसाला का सेवन करने वाले अभी से ही सचेत हो जाएं, धड़ल्ले से हो रही बिक्री पर लगाम लगाई जाए।